अरे बच्चों, बहुत दूर कहीं एक शहर था खुशियाबाद, बिल्कुल अपने नाम की तरह हंसता बसता और हरा भरा। दूर दूर तक इस शहर के लोगों की तारीफें होती थी। लेकिन बच्चों, यहाँ के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम थी। वो अपनी सफाई सुथराई का ज्यादा ख्याल नहीं रखते थे, नहाने धोने में लापरवाही करते थे और अपने घर को साफ रखने की फिक्र में ये लोग सारे का सारा कचरा घर से बाहर बिल्कुल बेफिक्र होकर यूं ही फेंक दिया करते थे। इन्हें क्या पता था कि एक दिन यही लापरवाही आफत बनकर इनके शहर पर नाजिल होगी। मैं हूँ कचरा रानी, जो खाना मांगे ना पानी। मेरी ताकत तो बस कचरे में है, जितना खलीस कचरा होगा उतनी ताकत मुझ में आएगी और उतना ही मैं इन्फेक्शन फैलाऊंगी और बच्चों की जिल्द खराब करूंगी। जिसको लगे उसको नजला जुकाम हो जाए। तुम सब ऐसे ही फालतू बैठकर बातें ही करते रहोगे या फिर कुछ बर्बादी और तबाही के प्लान भी बनाओगे? कौन सुनना, तुम बताओ। देखो दोस्त, मैं तो सिर्फ बच्चों में हंसी फैला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी ताकतें मिलाकर एक ऐसा जरासीम बनाए जो जिसको भी लग जाए वो बच्चा बिस्तर से उठ ही न पाए। तो ये लो, मेरी ताकत से भरपूर चिट्टड़पू कचरा। आख तू, अलगम की बलगम को जो खाए वो जरासीम बादशाह कहलाए। और मैं जब इस गंदगी में अपना पली पानी मिक्स करूंगा तो देखना ऐसा बदबू का गोला देगा पेरिस ज्यादा है। मैं लगने और गायब होने की ताकत मिला देता हूँ। बिल्लू 70 बिल्लू ताकत मुझको दे दे। कुल्लू बनाऊ मैं जरसूमा गंदा, शुरू करे जो बीमारी का गोरख धंधा। मैं हूँ डरपू गंदगी और बनासत का बादशाह। चलो हम सब मिलकर तबाही और बर्बादी का प्लान बनाते हैं और खुशियाबाद को बर्बाद कर देते हैं। मेरे साथियों, हमारा आज से यही मिशन रहेगा कि हम अपनी ये जिंदगी लोगों को बीमार और बर्बाद करने में लगा दें और उन्हें बता दें कि हम कितने ताकतवर हैं। ये गुनसुन्ना कहाँ है? गुनसुन्ना, क्या खबर लाए हो मेरे गुन्ने? बस खबर बहुत अच्छी है। गुनसुन्ना, अपनी पहली ही खबर अच्छी लेकर आए हो। तुम बहुत तरक्की करोगे। बोलो क्या खबर लाए हो? बस खुशियाबाद के लोग अपनी सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कुछ ही लोग हैं जो नहाने के पाबंद हैं। बॉस मुझे तो लगता है हम इस शहर को बहुत जल्द बर्बाद कर देंगे। तो फिर इस बात की है तबाही और बर्बादी फैलाने के लिए तैयार चलो। यार दानिश, ये जरासीम कितने खतरनाक होंगे? ये देखो, हमारे अपने मुल्क में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे जरासीम का शिकार होकर डायरिया जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। सिर्फ बाकायदगी से हाथ धोकर और सेहत सफाई के बुनियादी उसूलों पर अमल करके तकरीबन 50% जानें बचाई जा सकती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें सेहत सफाई की ताकीद करता रहता हूँ। अरे दानियल भाई, तुम तो ऐसे ही परेशान रहते हो। कुछ नहीं होगा हमें और हमारे शहर को।
कैसे परेशान ना हूँ, कोई क्यों मेरी बात नहीं समझता, किसी को मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं आता, मैं क्या करूँ? मेरे साथियों, तुम सब सारे शहर में फैल जाओ, एक एक शख्स खासतौर से बच्चों को दीवार कर दो, बच्चों को, क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। अटैक! आज से इस शहर पर हमारा कंट्रोल होगा, जरासीमों का। डैनियल भाई, मेरा सुबह से जख्म बहुत खराब हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करें। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर अंकल के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, बस तुम हिम्मत से काम लो। डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, दानिश का जख्म ठीक नहीं हो रहा है, पकता ही जा रहा है, प्लीज। डैनियल बेटा, हिम्मत से काम लो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज सुबह से ये जरासीम पूरे शहर में फैल चुके हैं और लोगों की बहुत बड़ी तादाद इन जरासीम की वजह से बीमार हो चुकी है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं अभी देखता हूँ कि मसला क्या है। डॉक्टर अंकल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा शक सही निकला, बेटा तुम भी उन्हीं जरासीम का शिकार हो गए हो जो कि पूरे शहर में मोहलिक बीमारियां फैला रहे हैं। ये तो बड़ा संगीन मसला है, ये ऐसे हल नहीं होगा। तुम लोग ऐसा करो, अभी घर जाओ, मैं डॉक्टरों की तंजीम पे मशवरा करता हूँ, वही लोग इस मसले का कोई हल निकालेंगे। पूरे शहर में अफरा तफरी का आलम है। आखिर क्या वजह है कि ये जरासीम हमें बीमार कर रहे हैं? सुना है ये जरासीम बहुत खतरनाक बीमारियाँ फैलाते हैं। खुसूसी बुलेटिन, खुशियाबाद में फैलने वाली बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम बहुत ही खतरनाक है, जो कि नज़ला, जुकाम, डायरिया, खांसी और जल्द में इन्फेक्शन का सबब बन रहे हैं। हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी अपने घरों से ना निकले। शुक्रिया। अब तो सिर्फ एक ही हल नजर आता है, हम तमाम डॉक्टरों ने इस मसले को हल करने के लिए कमांडर सेफगार्ड का नाम तजवीज किया है, जो कि प्लेनेट ट्रिक्लू पर रहते हैं, क्यों ना उनसे रابطہ किया जाए। क्या ये पैगाम कमांडर सेफगार्ड तक पहुँच पाएगा और क्या कमांडर सेफगार्ड लोगों और बच्चों की मदद के लिए आएंगे? कमांडर सेफगार्ड, आपके लिए खुशियाबाद के डॉक्टरों का पैगाम आया है, वहाँ के बच्चों को आपकी जरूरत है। ओह माय गॉड, फौरन मेरा ब्लू लाइट सेबर और स्टार्टर कैंप तैयार करो, और हाँ, DC-6 भी लोड करना, मैं अभी अपने वॉपर जेट पर खुशियाबाद रवाना होगा, और प्यारे बच्चों और उनके अम्मी अब्बू की मदद करूंगा। आओ कचरा रानी, आओ बताओ क्या खबर लाई हो। बॉस, हमने सारे शहर का कचरा कर दिया है, लोग और बच्चे नज़ला और जुकाम और पेट के दर्द से चीख रहे हैं, और जो बच गए वो खास खास कर खत्म हो जाएंगे। बॉस, पता है हमें कोई मसला भी नहीं हुआ, कचरा रानी ने। बॉस, अभी टिंकु हवाई फौज ने खबर दी है कि आसमान पर एक बहुत ही जदीद किस्म का जहाज देखा गया। कचरा रानी, मुझे अपने मैजिक बॉल में देखकर बताओ कौन है जहाज पे। मंदर मंदर कितु मंदर, बता दे मुझको कौन है इस जहाज के अंदर। बॉस, ये तो कमांडर सेफगार्ड है। ये कमांडर सेफगार्ड कहाँ से आ गया, कबाब में हड्डी? तुम कांगना बंद करो और जाओ जंग की तैयारी करो। काम तो रहा हूँ, ये सर्दी लग रही है। शुक्रिया कमांडर सेफगार्ड, आप फौरन ही आ गए, वरना तो। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बच्चों की खातिर मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। सबसे पहले आप मुझे शहर का मुआयना करवाएं। ये तबाही जरासीमों ने, लेकिन मैं इस शहर के प्यारे प्यारे बच्चों को कुछ नहीं। लेकिन कमांडर सेफगार्ड, एक बात समझ में नहीं आती कि खुशियाबाद के लोग इतनी आसानी से बीमार कैसे हो गए। सीधी सी बात है, खुशियाबाद के लोग अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, बल्कि अपने घर का कचरा भी बाहर फेंक देते। अब जाहिर है, जहाँ गंदगी होगी और लोग बाकायदगी से नहाएंगे धोएंगे नहीं, वहाँ जरासीम तो जरूर हमला करेंगे। इन जरासीम से बचने का सिर्फ एक ही हल है, मयारी एंटी बैक्टीरियल साबुन, जैसे सेफगार्ड का बाकायदा इस्तेमाल। लेकिन सिर्फ सेफगार्ड ही क्यों? क्योंकि सेफगार्ड आम साबुन के मुकाबले में जरासीम के खिलाफ दोगुना तहफ्फुज़ देता है।
फिर खुशियाबाद के लोगों ने मयारी एंटी बैक्टीरियल साबुन यानी सेफ गार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया और बीमारियों से निजात पाई। डॉक्टर दोस्त, अब खुशियाबाद के लोगों को कोई खतरा नहीं। क्या ख्याल है, डॉक्टर और उसकी फौज से भी दो दो हाथ हो जाए? भाग कर कहां जाएंगे ये जज? एक एक का खात्मा कर दूंगा। कचरा रानी, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आज मैं तुम्हारा कचरा कर दूंगा ताकि तुम कभी भी किसी बच्चे की जेब में इन्फेक्शन न पैदा कर सको। अरे ओ कमांडर, मैं तुम्हें देख लूंगी। मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कचरे के ढेर से गुजरना पड़ेगा। पलीदा, मासूम बच्चों में डायरिया फैलाता है, उनके पेट में थक पैदा करता है। कमांडर, मैं अपने तेजाबी बलगम से तुम्हें जला दूंगा। मेरे दोस्त कचरा रानी और पलीदा की कुर्बानी जाया नहीं जाने दूंगा। मेरे दोस्त बच्चों को नजला जुकाम लगाता है, गंदे अलगन मैं छोड़ूंगा। कौन सुनना तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बॉस, अपनी अपनी जान बचाने की हो रही है, मैं कहीं तुम्हारे चक्कर में मारा ना जाऊं। मैं चला जिंदा रहा तो मुलाकात जरूर होगी। बस दिल जरासीम, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा घने। पहले जरा कमांडर सेफ गार्ड को खत्म कर लू। कमांडर सेफ गार्ड, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कम ऑन कमांडर, कम ऑन। किड्स, आर यू विद मी? यस। मासूम बच्चों को बीमार करता है, एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। मैं गंदगी का बादशाह, हर गंदे बच्चे को बीमार करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज मैं तुझे रोकूंगा। प्यारे लोगों, डॉक्टर और उसकी फौज ये बात जानती थी कि आप लोग अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, इसीलिए जरासीमों ने आपके शहर का रुख करने की हिम्मत की। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने तमाम जरासीमों को खत्म कर दिया है। मैं चाहता हूं कि हम सब इस जीत की खुशी में यह वादा करें कि आइंदा अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे और सिर्फ एक मयारी एंटी बैक्टीरियल साबुन यानी सेफ गार्ड ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेफ गार्ड ना सिर्फ जरासीम का खात्मा करता है बल्कि उन्हें दोबारा बढ़ने से भी दिन भर रोकता है। कमांडर अंकल, अगर हमें आपकी आर्मी में शामिल होकर जरासीम के खिलाफ जंग करनी हो तो हम क्या करें? बड़ी आसान सी बात है, सबसे पहले इस किताब के आखिर में दिए गए सेहत और सफाई कार्ड को मुकम्मल करके अपने क्लास टीचर और वालदैन से दस्तखत कराएं और मुझे पीओ बॉक्स नंबर 8046 कराची पर भेज दें। उसके बाद मेरी आर्मी में शामिल होने के लिए हर हफ्ते के अंग्रेजी अखबार टी न्यूज के सफ़े, डिज्नी डिस्कवर और रोजनामा जंग के संडे मैगजीन में अपनी कहानियाँ और तस्वीरें भेजें। और हाँ, अगर मुझसे बात करनी हो तो रेडियो चैनल FM 101 पर हर जुम्मे, हफ्ते और इतवार को फोन करें। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना, ये सब कुछ 1 अक्टूबर 2004 से शुरू हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और मेरा पैगाम याद रखना, साफ सुथरे और सेहतमंद बच्चे ही कामयाब बच्चे होते हैं। थैंक यू कमांडर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।